सो हाय गाइस, डन विद दिस सेट फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी। और लास्ट ईयर मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल करा और इतने अलग अलग एयरबीएनबीज में स्टे करा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना समझाया जाए एयरबीएनबीज क्या होते हैं और क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम्स एयरबीएनबीज आर बेटर देन होटल्स, होमस्टेज, होस्टल्स। ये वीडियो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ, एयरबीएनबी ने स्पॉन्सर नहीं करी है, मतलब मैंने अपने बहुत सारे पैसे खर्च करके अलग अलग जगहों पर स्टे करा है। जैसे मथुरा में मैंने एयरबीएनबी जो लिया था वो कृष्ण जन्मभूमि के जस्ट सामने था, मतलब बालकनी से बाहर निकलो आपको कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हो जाते हैं। बैंगलोर में मैंने जो एयरबीएनबी लिया था वो इतना लग्जूरियस था और इतना कम उसका रेंट था, बट इतनी लग्जूरियस प्रॉपर्टी में था, मतलब उसके 600 मीटर के दायरे में लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ऑडी, इन सबके शोरूम्स थे। ओडिशा में जब मैं गया था, मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में गया था, वहाँ पे हम लोगों को एक डोमेस्टिक हेल्प मिली थी जिसके चलते मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, मतलब उनको ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वो कहीं बाहर आए हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने उड़ीसा में अपना घर ले लिया है। और ग्वालियर, जयपुर, न जाने कहाँ कहाँ के एयरबीएनबीज के एक्सपीरियंस मेरे इतने अच्छे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता एयरबीएनबी होते क्या हैं और क्या कॉन्सेप्ट है ये कि किसी भी शहर में आप दो दिन के लिए जा रहे हो, आप फुली फर्निश्ड विद किचन सारा आप अपना घर ले सकते हो जस्ट एक या दो दिन के रेंट के हिसाब से। आइए चलते हैं वीडियो में, समझते हैं एयरबीएनबीज क्या हैं और एयरबीएनबीज के मेरे बेस्ट एक्सपीरियंसेस कौन से हैं। पूरा घर जो है वो आपको करीबन 3,500 के आसपास का पड़ेगा। मॉडर्न सी वाइब है, रस्टिक सी वाइब है। ये आपका ड्राइंग रूम वाला एरिया आ गया है। आप वेंटिलेशन देखो कितनी बढ़िया, एकदम देखो कुकर तक है यहाँ पे। मतलब मैं अभी चने की दाल अगर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ मैं यहाँ पे आराम से। अच्छा, ये डिश वॉशर है आपका, ये आपका माइक्रोवेव ओवन। तो हम मस्त यहाँ पे एकदम रिक्लाइनर पे टीवी देखते देखते पेट्रोल के 3-4 एपिसोड देख गए। कैसे हैं भैया? ये उड़िया खाना भी बना लेते हैं, नॉर्थ इंडियन भी बना लेते हैं, साउथ इंडियन भी बना लेते हैं। तो जन्मभूमि आपके जस्ट 100 मीटर भी नहीं है। ये सुबह सुबह का टाइम है और ये आप देख सकते हैं जन्मभूमि पे, बहुत ही अति सुंदर। और ये आई थिंक इसकी 5वीं या 6ठी बालकनी है, 6th बालकनी आई गेस। बहुत सारी बालकनी है इस घर में। मैं अभी घर में हूँ पर अपने घर में नहीं हूँ, मैं किसी और जगह पे हूँ। कैसे आप एक घर में रह सके किसी और सिटी में जाके, इतना बड़ा सा पूरा घर है। एंट्रेंस गेट भी देखिए कितना, मतलब एकदम आपको पिंक सिटी की फील्स दे रहा है, बहुत ही सुंदर है, एकदम अति सुंदर है। देखो भाई, जो एयरबीएनबीज है ना, अगर मैं आपको समझाऊं तो होमस्टेज ही हैं एक तरीके से। जैसे होमस्टेज आपकी टैक्सी ऑटोज होते हैं, एयरबीएनबी जस्ट एक ब्रांडेड टैक्सी ऑटोज हैं। जैसे ओला उबर में फीचर्स आपको हो जाते हैं कि प्राइस कम हो जाता है, वो एकदम टाइम से आ जाती है, वो सारी चीज़ें हैं ना, एयरबीएनबीज में भी वही है कि होटल में जो होता है एक सर्विस स्टाफ होता है जो आपके कोई भी रात को 3 बजे आपको खाना खाना है तो वो आपको मिल जाएगा, एयरबीएनबीज में वो नहीं मिलेगा। बट एयरबीएनबीज में एक कम्फर्ट रहता है। कभी कभार क्या होता है कि आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हो, वो भले दिन जिनमें आप ट्रैवल करते थे प्री कोरोना वाले दिन में, तो आपको ना घर की याद आती है, होम सिकनेस जैसे कहते हैं वो हो जाती है। एयरबीएनबीज में अगर आप रुकोगे ना, बिल्कुल आपको वो जो ओनर है वो एक चाबी दे देता है घर की, तो आप चाबी लगा के घर में एंटर हो रहे हो, बिल्कुल बेड ऐसा ही है जैसे आपके घर में बेड होता है, किचन है, सब कुछ एकदम वाइब्स ही ऐसी है कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप बाहर आए हो, हर जगह आप ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपका घर है। एयरबीएनबीज का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं एयरबीएनबीज होते क्या हैं। अब आइए मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ एयरबीएनबीज के, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाले होते हैं ना, वो कैसे अंदर से होते हैं और क्या इतना खूबसूरती होती है उनमें। दिस हैज टू बी द बेस्ट एयरबीएनबी। मैं अभी तक किसी भी एयरबीएनबी में रहा हूँ, उन सब में से ये सबसे बढ़िया एयरबीएनबी है। वुडन बिल्कुल ग्रीन कुशंस के साथ सोफ़ा है, मतलब पूरा जो घर है ना वो सारा शोपीस से भरा हुआ है। ये एक वास है इधर, एक और कारपेट है, बीन बैग है। 2700 रुपीज़ खर्चे हैं, मतलब एयरबीएनबीज में ना इतना कोई कुछ नहीं करता, आपको बस घर देते हैं लोग। ये तो आपको घर देने के अलावा पूरा घर होमली फील करा रहे हैं। इतने सामान तो आई थिंक एक बैचलर के किचन में भी नहीं होता, या कभी कभार तो एक फैमिली के भी किचन में इतना सामान नहीं होता। अंधाधुंध चीज़ें हैं, मतलब सारी भरी हुई है किचन, कुछ ना सामान पड़ा है यहाँ पे। इतने सारे तो इधर कॉफ़ी मग्स ही पड़े हुए हैं, दालें वगैरह भी पड़ी हैं, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मसाले ओ तेरी, यहाँ तो इतना सामान कौन रखता है। ब्यूटीफुल खाने, चटनी ये वो, MTR का चटनी पाउडर, इडली पाउडर,
ये आपका पहला बेडरूम है, इसमें एसी लगा हुआ है। पहला बेडरूम है, इसमें सारा वुडन काम हो रखा है, सारा का सारा सब वुडन वर्क है। और उधर वाले रूम की बालकनी सेपरेट है, तो यहाँ पे 3 टोटल बालकनीज है। ब्यूटीफुल, काफ़ी अलग लग रहा है क्योंकि मैं आज तक बहुत सारे एयरबीएनबीज में रुका हूँ और आपको भी बहुत सारी वीडियोस दिखाई है, पर ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतलब मैं सिंगल बंदा रुका हूँ तो मैं इस रूम में रुका हूँ। या आप वॉशरूम देख सकते हैं, इधर मैंने शावर लिया था, इतना कमाल का शावर है ना, मज़ा आ गया शावर लेके। ये स्लाइडिंग डोर्स वाली विंडो है, यहाँ मैंने अपना सामान रखा हुआ है। और ये बालकनी इस रूम की एकदम सेपरेट है, यहाँ पर भी टेबल चेयर लगाया हुआ है। और यहाँ के बालकनी का व्यू देखो, एकदम ब्यूटीफुल है। जैसे कहते हैं ना, जब लड़के किचन में घुसते ना तो ये होता है। मुझे भरोसा था अपने ऊपर कि मैं टेट्रा पैक खोल लूँगा, पर पता नहीं क्या हो गया। सॉरी, ये लॉक इतना बढ़िया है ना, कॉम्बिनेशन डालने में के बाद। अच्छा, ये बटन दबाया और फिर ऐसे खोला, चाबी बाहर निकल के आ गई। बहुत सही है। तो ये है वो प्रॉपर्टी एयरबीएनबी की जिसमें मैं अभी रुका हुआ हूँ, और क्या सुंदर लग रही है। ये एक और गेस्ट हाउस है, ये वाला मेरा गेस्ट हाउस है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये मेरा घर है पुरी में, दिस इज़ माई होम इन पुरी। यहाँ से आप एंटर करते हो ना, तो एंटर करते ही राइट साइड पहला कमरा है और ये बेसिकली आपका डाइनिंग एरिया है। अच्छा, ये जो एयरबीएनबी रहे, ये बाकी एयरबीएनबी से बहुत अलग है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इस फ्रिज में इतना सारा खाना पड़ा है, दुनिया जहान का खाना पड़ा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हमारे पास एक केयर टेकर भी है, केयर टेकर की फैसिलिटी है, जिनका नाम है सुनील भैया। खाना आपने कैसे इतना बढ़िया बनाते हैं, ये उड़िया खाना भी बना लेते हैं, नॉर्थ इंडियन भी बना लेते हैं, साउथ इंडियन भी बना लेते हैं। तो इनसे डोसा खाया, पराठे खाए, छोले खाए, और वो क्या बेसर बनाया था, बेसर, मतलब सारा खाना, और इतना कमाल का बनाते हैं, मज़ेदार। तो ये केयर टेकर है, इनकी वजह से आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम आपको आलसी बना देते हैं। रूम का वाइड एंगल शॉट ऐसे है। ये क्लोजेट एरिया, बेसिकली क्लोजेट एरिया का अपना ही रूम है, अपना ताला चाबी है, पूरा एक तरीके से अलग रूम ही बना रखा है क्लोजेट का। ये वॉशरूम है आपका, वॉशरूम में भी एग्जॉस्ट और गीजर वगैरह लगा हुआ है, और आपका शावर भी बहुत कमाल का है, मैं यहीं पे नहाऊं पिछले 4 दिन। ये आपने पहला कमरा देखा ना, ये पहला कमरा देखा, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी, दो चिपका दो, और ऐसे 2 कमरे ऊपर हैं। और जो चौथा कमरा है वो थोड़ा सा छोटा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी सैर कराता हूँ। बाकी 2 कमरे तो एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो मतलब 4 दिन हम लोग यहाँ पे रुके, अराउंड 16,000 वी पेड, बहुत रीजनेबल प्राइस है। पूरी में जो रेट हैं वो आग छू रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी कम है। मतलब 2 बंदों का खाना, आप कहीं जाओगे ना ऐसे खाने, तो आपका 100 रुपये में 2 बंदों का खाना हो जाएगा, पर जो 2 बंदों का रहना है वो 10,000 में होगा। ढंग की जगह पर रहोगे, ठीक ठीक जगह पर रहोगे तो 2 बंदे 6,000 में रहेंगे, और वो ऐसी ठीक ठीक ही रहेगी। ये वही बताया ना, ये दूसरा रूम है, यहाँ आप एकदम हुबहू ऐसे जैसा पहले वाला रूम है। और ये फिर तीसरा रूम है, मतलब ये थोड़ा सा रूम का साइज़ छोटा है, फॉल सीलिंग इसी, हर रूम में फॉल सीलिंग करी हुई है। बड़ा मॉडर्न रूम है पूरी के हिसाब से ना। मैं अगर आपको कायदे से बताऊँ, मैं अभी होटल छानबीन करके आया था, हम लोग बीच से 500 मीटर दूर है, हम लोग बीच से जस्ट 50 मीटर दूर होटल देखने जा रहे थे, फिर बीच से 300 मीटर अंदर जाके, मतलब जितना ये अंदर है वो देखने जा रहे थे होटल, और फिर रियलाइज़ करा कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। वो मतलब जैसे फैमिली विजिट है ना, ये घर वालों के लिए, जैसे पूरी में लोग आते भी घर वालों के साथ है, जैसे मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही आया हूँ फैमिली वेकेशन पे, तो एकदम घर वालों के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ये आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो फेस है, अभी हम लोग जस्ट ये उस बिल्डिंग के पीछे जो है वो है मॉडल बीच, और इस साइड पे, पीछे की साइड पे है रेलवे स्टेशन, पूरी रेलवे स्टेशन। हेल्दी डोसा मम्मा, ट्राई करते हैं पूड़ी और छोले, और पहले पूड़ी और बेसर ट्राई करते हैं। ओह, पूड़ी भी कितनी सॉफ्ट है, देखो। बेसर ट्राई करते हैं, कैसा है इसका टेस्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें मस्टर्ड डाला हुआ है, सौंफ और मिक्स वेज, बहुत हेल्दी है। और ये देखो कैसे फूली फूली सी पूड़ियाँ, सारी मज़ेदार। तो ये थे कुछ मेरे फेवरेट एयरबीएनबीज। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। सोच रहा हूँ हर मंडे आप लोगों को ऐसे ही अपने ट्रैवल से रिलेटेड वाली वीडियोस लाते रहूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। और हर फ्राइडे कुछ टेक्निकल वीडियोस, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे पूछा था कि आप लोगों को एडिट वाली वीडियो देखनी है कि नहीं, आपने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, बोला था हाँ बिल्कुल लाइए। तो मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो को एकदम डिटेल्ड बनाऊँ जितना ज़्यादा, तो अभी उसमें टाइम लग रहा है, जैसे ही वो रेडी होगी वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो आएगी फ्राइडे को। टिल देन कीप एंजॉयिंग, स्टे सेफ, घर पे रहो, ध्यान रखो।